सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। गवाहियां देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यह आपका विश्वास जो आमीन बोल रहे हैं वो ले रहे हैं अपनी गवाहियों को अपने जीवन में। यस, सिस्टर की गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इन सभी जन की बहुत बड़ी गवाही है। इन सभी जन को इवन स्पिरिट की प्रॉब्लम थी और ये आजाद होना चाहते थे पर हो नहीं पा रहे थे। और जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, किसी ने प्रोफेसी को रिसीव किया, किसी ने ऑयल और वाटर को यूज किया और किसी ने स्पेशल ले हैंड कराया। और आज ये सभी जन बता रहे इवन स्पिरिट की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। बोलो हालेलुया। सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा, अभी अभी जाओ। बोलो हालेलुया। सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा, अभी अभी जाओ। जल्दी से गवाही सुनेंगे सिस्टर की। जैमसी दी कलीसिया, जैमसी दी पापा जी नू मेरी गवाही ये सीगी कि मेरे ना 2017 दे विच मैरिज होई सीगी। तो 2018 दे विच आण के मेरा झगड़ा पै गया। मेरे हसबैंड ने बिना दस्या ही मैरिज होर किसी लड़की ना करवा ली। जिस तों बाद मैनू विश्वास ही परमेश्वर ते कि ओह मैनू झूठ मार दी कि मैरिज मैं नहीं कराई। तो अचानक ही प्रभु दे दास साडे जो नज़दीक सी ओह अचानक उन्हां दे घरे गए। तो उत्थे ओह लड़की चूड़ा पा के उन्हां दे घरे मौजूद सी उस टाइम। तो मैनू विश्वास है कि परमेश्वर मेरा सच्चाई नू दिखाएगा। तो 2018 तो ला के 23 तक मेरा केस चलिया। 4 साल मैं कोर्टा दे विच धक्के खाधे। जितों बादां विच उन्हें मैनू तलाक देने तो ना करते कि मैं तलाक नहीं देना। तो बादां विच मैं चर्च दे विच आई, पापा जी दे वर्डिंग नू रिसीव किया कि पापा जी दे जो भी वर्ड है मैं रिसीव किया कि पापा जी मैनू दुष्ट आत्मा तो भी मैं आजाद हुई। तो बाद में मेरा केस भी सॉल्व होया। उन्होंने आप मैनू डिवोर्स दे दिता जिस तो मैं आजाद हाँ। मैं पापा जी का बहुत धन्यवाद करती हाँ कि मैनु उस नरक दे विचों ना बाहर कढ़िया। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर का, धन्यवाद करती हाँ सारी कलीसिया का, पापा जी का धन्यवाद करती हाँ। मैनू बहुत महीना हो गया सी दुष्ट आत्मा ने घेरिया होया सी, बहुत मुश्किल च सी। ते ऑल यूज किया, प्रभु का लहू यूज किया, हुण मैं उस प्रॉब्लम तो ठीक आ। धन्यवाद करती हूँ पापा का बहुत बहुत। जय मसीह की सारी कलीसिया को, जय मसीह की पापा जी को। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। मैंने स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई। मैं 12 साल से बहुत परेशान थी जी। मैंने बहुत दुख काटे। पिछले साल मैंने क्रिसमस डे पर स्पेशल ले हैंड करवाई। सुन लीजिए ऑनलाइन चर्च। यस। और मैं आज दुष्ट आत्मा से, बुखार से, अपने घर से शांति से ब्लेस हो चुकी हूँ। सुना आपने, बीज बोने का बहुत बड़ा प्रतिफल है। अगर आप, आपसे रिक्वेस्ट है किसी के हाथ में अपना बीज ना दें, आप पीछे काउंटर पर जाएं, काउंटर पर एनवेलप में अपना नाम नंबर लिख के अपने बीज दें। आपके सामने गवाही है कि सिस्टर परेशान थी, सारे परेशान थे, जब खुदा के दास से दुआ करवाई, बीज बोया, बड़ी ब्लेसिंग उतर चुकी है स्वर्ग। ओ जंगे कदे नहीं हार दे, 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 ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वादों का सच्चा
सच्चा है, वादों का सच्चा है तेरे बाबा। कहेंगे ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। यहोवा एलोही, 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 मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, तालियों के साथ और नाच कर शुक्र कलीसिया, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, बगदा सागर बलि दी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखदा, बगदा सागर बलि दी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखदा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, 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 भगत सागर बल दी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखता है, भगत सागर बल दी अग चो ओ बचाने दी ताकत रखता है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बोलेंगे क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, 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 मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो,
परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा एक लंबी आवाज में कहो मेरे साथ मेरा परमेश्वर प्यारा वो सबसे प्यारा वो सबसे प्यारा वो सबसे राज दुलारा वो सबसे राज दुलारा वो है हमारी जिंदगी का किनारा वो है हमारी जिंदगी का किनारा वो है सबसे प्यारा कुमार वो है मेरा राजकुमार वो है मेरा सपनों का राजकुमार वो है मेरे सपनों का राजकुमार सारे दुखों को निहारने वाला सारे कष्टों को दूर है करता सारे कष्टों को दूर है करता गिरे हुओं को फिर से उठाता गिरे हुओं को फिर से उठाता वो है मेरा सबसे प्यारा परमेश्वर वो है मेरा सबसे प्यारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा सबसे न्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर वो है सबसे सच में पवित्र आत्मा जी जिन लोगों ने इस समय तेरे दास के साथ गाया तेरी दासी के साथ गाया परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु जी तूने उनके दुखों को ले लिया है मैं विश्वास करता हूँ तूने उनके कष्टों को दूर कर दिया परमेश्वर तूने उनकी चिंताओं को दूर कर दिया परमेश्वर आज से तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हारे सपनों में आएगा जो यहोवा से प्यार करते हैं आत्मा कहता है ये क्रिसमस के महीने में इस महीने में परमेश्वर एंड में आपके लिए भलाई करने वाला ईश्वर बस आपको प्रतीति करना है आपको आशा रखनी है जो नहीं है उसको है करके मानना है आमीन सब एक स्माइल देकर कह सकते हैं आंख बंद करके मैं उन चीजों को देख रहा हूं जो मेरे पास नहीं है आप उन चीजों को देखेंगे अभी स्माइल करेंगे आप आंखें बंद करो प्लीज आत्मा आपसे बात कर रहा है आप आंखें बंद करो और सामने वाले को ऐसा ऐसा एहसास करा दो कि वो मैं उस चीज को देख रहा हूं हंस रहा हूं मैं आपके पास जो नहीं है बोलो वो है आपके पास जो नहीं है उसको है करके मानना है और फिर मेरे साथ मुस्कुराना है हालेलुया हालेलुया सच में परमेश्वर आपको वो देने के लिए जा रहा है जो आपके पास बोलो हालेलुया हालेलुया आपने महसूस किया जो आपके पास नहीं है
वो है करके मानना है। और उसके बाद आपने स्माइल दिया, मुझे नहीं पता जब मैंने ये कहा तो मेरे सामने हेलीकॉप्टर आकर खड़ा हो गया। आमीन। सड़ने वाले सड़े, लेकिन पादरी बजिंदर एक दिन हेलीकॉप्टर में जरूर बैठे। आमीन। सुन रहे हो? आज अभिषेक डिफरेंट है, याद रखना। आमीन। आज हम नहीं है। यस। हमारे अंदर कोई आ गया आज। हालेलुया। सुन रहे हो? Yes. आज कुछ भी हो सकता है। Amen. कुछ भी। Amen. मेरे को बजिंदर सिंह नहीं समझना आज। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है, क्योंकि जो विश्वास नहीं कर रहा वो परमेश्वर के आनंद को नहीं देखेगा। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। आमीन। आमीन। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। रबासना, रबा, रबा, रबासना। मैं देख रहा हूं किसी बहन को जो मुझे ऑनलाइन देख रही है, तेरा नाम सुनीता है तो मुझे यूपी से देख रही है, एक बहन परमजीत है तो मुझे अमृतसर से देख रही है, आती जाती नहीं है तू चर्च में, वैसे ही तेरा तुक्का लग गया, तूने देख लिया, आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपकी परिस्थितियां चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम। बेटा नहीं है, बांझ है आप, परमेश्वर आपको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा बात कर रहा है उन लोगों से जिनके पास वो नहीं है। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, 2008 से रो रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है, किराए पर रहते हैं वो, ये अपनी दुकान नहीं है, थक गए किराया दे देकर, बरकत नहीं है। आबाला बादशाह बाला बाला बादशाह बाला बा, आत्मा कहता है जो नहीं है विश्वास करो, जो नहीं है उसको है करके मानना है। आमीन। और अब स्माइल दे रहे हैं जिनके नाम GNRS PT M से A से R से N से B से V V4 Van। आप गुड न्यूज को देखेंगे। मैंने 3.5 महीने देखे। आपको बस कहना जो नहीं है उसको है करके मानना है। बोलो वो है। जोर से बोलो वो है। है करके मानना है। आज मैं अपने आपे में नहीं हूं, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आमीन। आपको विश्वास करना है। कोई है आपके पास जो आपको बदलना चाहता है। आमीन। कोई है आपके पास जो आपको रौनक देना चाहता है आपके चेहरे पर। कोई है आपके पास जो आपको खुशियां देना चाहता है। आमीन। ऐ गंदी आत्मा भाग जान के पास से। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, मजाक नहीं समझना, हल्के में न लेना, परमेश्वर है यहां पर, उसकी प्रेजेंस है यहां पर। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इसी समय मैं आशीर्वाद देता हूं, पवित्र आत्मा जिन लोगों को अपने हाथों को उठाओ, और इसी समय परमेश्वर जो यूपी से, बिहार से, जम्मू से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, इस समय परमेश्वर कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, दुबई से, मॉरिशस से, केरला, कर्नाटक से, पवित्र आत्मा हैदराबाद से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा, पाकिस्तान से, नेपाल से, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर फेवर करा जिनका यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए, और बंद पड़े रास्ते आज खुल जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। जो आज तेरे वचन को ध्यान से सुने परमेश्वर, जिन्होंने तेरी वर्शिप को पवित्र आत्मा किया है, भक्ति के साथ, सच्चाई के साथ, हृदय की सच्चाई के साथ, पवित्र आत्मा यही साल इनके लिए काटने का होने पाए, हर एक आशीष डबल हो कराने पाए। तूने कहा भविष्यता को तूने भेजा, और जकरिया ने जाकर कहा विश्वास करो,
ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। आमीन। सच में परमेश्वर इनके सामने हर बीमारी का पहाड़, हर एक कर्जे का पहाड़, हर एक समस्याओं का पहाड़, कैसा भी पहाड़ है, आज निदान हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक श्राप इनके ऊपर से टूट जाए, हर बंधन चिल्लाने वालों के ऊपर से टूटे, आमीन बोलने वालों के ऊपर से टूटे, दोनों टूटे, हर एक जन आजाद हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। अपनी स्प्रिट में पवित्र आत्मा ये सच में फ्रीडम को देखने पाए आज, एक बड़े पीसफुल को देखने पाए आज, शांति को देखने पाए परमेश्वर। ये ग्राउंड लेवल पर नहीं परमेश्वर, ये सच में हर लेवल पर जीतने पाए बिना मेरे प्रभु। मैं आज से इनके छुटकारे की घोषणा करता हूँ, क्लेम करता हूँ कि मेरे लोग आज से बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्लेम करता हूँ ये धरती चौड़ी होगी, तंबू चौड़े होंगे, इनके घर चौड़े होंगे, इनका बिजनेस छोड़ा होगा, इनकी दुकान छोड़ी होगी, इनके बच्चे आशीषित होंगे, इनका फाइनेंस छोड़ा होगा, इनके हर आशीष ऑनलाइन देखने वालों की खुलेगी इस साल के अंदर। बोलो आमीन। आप आशीष के लिए ठहरा दिए गए हैं, आमीन बोलकर अपॉइंट करो आज, एंजल को अपने पास अपॉइंट करो आमीन बोलने वाले। जो आमीन बोल रहा है हालेलुया बोल रहा है। एक एंजल अपॉइंट कर लिया उसने अपने साथ, आपके आस पास है वो एंजल। लेकिन मैंने क्या कहा, आते ही स्टेज पर कितनों को कार चाहिए, घर चाहिए, पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा चाहिए, कितनों को दर्शन चाहिए स्वर्ग के, प्रभु आपसे बात करे, कितनों को हीलिंग चाहिए। जो आप देख रहे हैं आपको सिर्फ ये कहना है, जो नहीं है उसको है करके मानना है और स्माइल देना है। अपने बाप को नहीं पड़ोसियों को दो। क्या आप स्माइल दे सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं जो आपके पास नहीं है वो आ गया है। होसना 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 होसना। सुनो, जो सालों साल से मेरी मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है ऑनलाइन में, वो कोई भी बंदा हो मुझे नहीं जानता, जो हर संडे रेगुलर जुड़ा हुआ है और जो मेरे चर्च में हर संडे आता है और उसके बैंक में 0 रुपया भी हो, आत्मा कह रहा है आपसे, मैं उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि वो 100 करोड़ का मालिक हो जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं इस भविष्यवाणी पर? Yes. मुझे लगता नहीं है। जकरिया ने कहा ना तो बल से क्या ये गीत आना गाना आता है आपको? Yes. ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा। पर लगाना पर बोलो ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ जाएगा बहुत हो, बीमारियां बहुत हो, समस्या बहुत हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, लेकिन जकरिया ने भविष्यवाणी किया, उसने कहा ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये बीमार चंगा हो जाएगा, ये बीमार चंगा हो जाएगा।
बल से न शक्ति से तेरी द्वारा बोलो ये बीमार चंगा हो जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। किसकी आत्मा के द्वारा? अपने हाथों को उठाऊं बोलो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। किसकी आत्मा के द्वारा? परमेश्वर की आत्मा। आज आपकी ताकत नहीं चलेगी, आपका पैसा नहीं चलेगा, आपकी शोहरत नहीं चलेगी, आपकी ताकत नहीं, आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा सब कुछ आपके लिए। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, जब मैंने भविष्यवाणी किया आप में से कोई जन 100 करोड़ का मालिक होने वाला है, लेकिन मैंने देखा ये कभी विश्वास नहीं है। बोलो हालेलुया। मुझे नहीं पता मुस्कुरा नहीं रहे मेरी तरह, अगर आप हो ना हो तो मैं तो होने वाला हूँ। दाऊद बोलता है, सुने भजन संहिता 89 में, एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद को कह रहा है, कह रहा है मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा रहा हूं, जो विश्वास कर रहे हैं आज उनको इस भविष्यवाणी में धोखा नहीं मिलेगा। आमीन। आमीन। आपने रिसीव किया इस बात को? Yes. आप वो बंदे हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। असंभव संभव होगा। बस एक बात कहनी है आज आपको, आज आपको एक ही बात कहनी है बार बार, जो नहीं है, जो नहीं है, है उसको है करके मानना है। Amen. अपने पड़ोसी की ओर देखकर मुस्कुराना है। न कर परवा किसे गलती और रख दा कबर हर पल दी, न कर परवा किसे गलती और रख दा कबर हर पल दी, ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है, कर फिक्र और बड़े कल दी, न कर पर वो किसे गल दी और रखे तक बर हर पल दी, न कर पर वो किसे गल दी और रखे तक बर हर पल दी, ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है, मेरा खुदा ओ जिंदा खुदा है, ना कर पर वो किसे गल दी, ये सो रखे दा कबर हर पल दी, ना कर पर वो किसे गल दी, ये सो रखे दा कबर हर पल दी, यहोवा जिंदा खुदा, 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 अखियां चो बगदे हो हंजुआ नु रोक तेरे नाल गे, अखियां चो बगदे हो हंजुआ नु रोक तेरे नाल गे, अखियां चो बगदे हो हंजुआ नु रोक तेरे नाल, अखियां चो बगदे हो हंजुआ नु रोक तेरे नाल, इक दिन लई नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल, इक दिन लई नहीं हर पल हर रोज तेरे नाल, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर तेरे नाल है, क्यों डरा, क्यों डरा,
मेरा परमेश्वर मेरे नाल शिवावा यसु नासरी तबावांगे ते सनाओ दी सदा यसी गावांगे शिवावा यसु नासरी तबावांगे ते सनाओ दी सदा यसी गावांगे शिवावा यसु नासरी तबावांगे ते सदाओ दी सदा यसी गावांगे शिवावा यसु नासरी तबावांगे ते सदाओ दी सदा यसी गावांगे कितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ कितने बीमार है चंगे हो जाएंगे मेरा यीशु मैं क्यों डरा तेरा पर हालेलुया जब ये लड़की लाइन गाएगी तो आपने अपने पड़ोसी की ओर मुंह करके बोलना मैं क्यों डरा कैसे बोलोगे आप कैमरे में मुझे दिखा मैं क्यों डरा आपको उछल के बोलने से कह रहा हूं सुनो आप एक्ट नहीं करते इसलिए आप चंगे नहीं होते आप एक्शन नहीं करते इसलिए शैतान को हराते नहीं हो कोड़ी पूरा चंगा नहीं हुआ था लेकिन उसके एक्शन के बाद सुनो भाई बात नहीं करना इधर बांदर साहब चुप कर सुन रहे हो आपको कह रहा हूं आप एक्ट नहीं करते कोड़ी जब चंगा हुआ जब उसने एक्ट किया उसने एक्शन किया सुन रहे हो कर एक जगह लखवे के मरीज के पैरों में टकने में बल आ गया उसने देखा बल आ गया वो खड़ा हो गया लेकिन वो क्या करा कहता प्रभु करा मेरे पैरों में बल आ गया लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूं उसने कहा अब तुझे एक्शन करना है हालेलुया खड़ा खड़ा ही कर रहा था और क्या हुआ और वो दौड़ने लगा हालेलुया मैं क्यों डरा आज आपने मकान तो खड़ा कर लिया है लेकिन चल नहीं रहा बिजनेस खड़ा तो कर लिया कितनों ने खड़ा कर लिया बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है पर चल नहीं रहा है नहीं चल रहा ना आपको डरने की जरूरत नहीं अब ये गीत गाना आज बिजनेस दौड़ेगा फिर से कहो मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल मेरा परमेश्वर मेरे नाल है यहोवा मेरे नाल नाल है मसीहा मेरे नाल नाल है यहोवा मेरे नाल नाल है मसीहा मेरे नाल नाल है कहेंगे यहोवा मेरे नाल नाल है यहोवा मेरे नाल नाल है यहोवा मेरे नाल नाल है मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मेरा जिंदा मेरे नाल है मैं क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल मैं क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल मेरा परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो मजा आ गया नाचने में आज एक जंप लगा कर बैठ जाओ शाबाश परमेश्वर आपको छुए आपको आशीष दे अब अपने पड़ोसी की से हाथ मिलाओ और बोलो मैं क्यों डरा जोर से बोलो डर का आत्मा भाग जाएगा कर्जे का आत्मा भाग जाएगा चर्च बीमारियों का समस्याओं का आत्मा भाग जाएगा और रामजीलाल का मुच्छो वाला आत्मा भी भाग जाएगा डराने वाला नहीं रात को सांप वाला आत्मा भी भाग जाएगा आप जोर से बोलो अपने पड़ोसी को मैं क्यों डरा क्या कोई कह सकता है मेरे साथ पड़ोसी को मैं क्यों जिदा अपनी गली च महला पांच रोला पाती मैं क्यों डरा मैनू नहीं कहना अपने प्यो नू कहना जा गया
हालेलुया। किन्नू कहना अच अज किन्नू दसना है? शैतान नू दसना है ते अपने पड़ोसियों नू दसना है, अपने डॉक्टर नू दसना है ते अपनी रिपोर्ट नू दसना है। मैं क्यों डरा रिपोर्ट तेनू देख के बार बार? मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला जिंदा है, यीशु मसीह के नाम। आमीन। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आ गया है, अगले संडे आपको गवाहियों के साथ आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो आपके पास नहीं है उसको है करके मानना है। आमीन। और उसके बाद मुस्कुराना है। हालेलुया। हालेलुया। यार आपको ऐसी चीज सिखा रहा हूँ, किसी ने नहीं सिखाई होगी। ये एक्शन है, आपने किया। जब हम ऐसा बोल रहे थे तो शैतान की बाहर खड़ा हुआ अपने सिर में खारिज कर रहा था खुजली, उसके जुए पड़ गई जुए। हालेलुया। हालेलुया। यार एक ही हो गया यार, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। जिसके सिर में ज्यादा जुए होती हैं उसके सिर पे शैतान बैठा होता है। अगर किसी लेडीज के एक जू से ज्यादा निकले ना तो समझ जाओ। हालेलुया। इसलिए मैं तो रोज सिर धोता हूँ। हालेलुया। आपने अगर यीशु मसीह के वचन से आज ढक लिया अपना सिर, ढक लिया कि नहीं? यीशु के लहू से सुरक्षित हो आप यीशु मसीह के नाम। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको मुस्कुराने की जरूरत है, क्योंकि अभी धर्मेंद्र मुस्कुरा रहे हैं। हाँ मुस्कुरा भाई। हालेलुया। सॉरी, गवाही दे रहे हैं। प्रवृत्ति बहन बता रहे हैं इनकी बेटी कनाडा में है, काफी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, नहीं लग पा रही थी। स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला था, चर्च आए, स्पेशल लेहन अपने हाथ रख के फोटो में प्रेयर करी। आज बता रहे हैं 7 महीने से प्रेग्नेंट है। हालेलुया। 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 तारीफ करें जोर से, शाबाश। अब देख रहे हैं कि ये बहन ने ले हैंड प्रे कराया और प्रार्थना अपॉइंटमेंट भी लिया और परमेश्वर ने इसकी बेटी को कनाडा में ब्लेस किया, गवर्नमेंट जॉब भी दिया। मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों के पास जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, उनके पास है। जोर से बोलना है पर है। कितनों को विश्वास है यीशु है? नहीं, पंजाब वाला है नहीं चलेगा। है हमारे पास। हालेलुया। हालेलुया। प्रवृत्ति भाई बता रहे हैं काफी समय से भाई कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था। चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज कनाडा वीजा के साथ आए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से। परस्ती शुरू से करे ज़हन बदल जाएगा, यीशु को थामे रहे जीवन सवर जाएगा। हालेलुया। यीशु को थामे रहे जीवन सवर जाएगा। हालेलुया। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह सच्चाई से हो, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह सच्चाई से हो। पाएगा यहोवा के आगे झुके,
हर सितारों का खुदा। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। हाँ हाँ शाबाश। गवाही का समय दे दो, माइक दे दो बेटे उसको। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ पापा जी को बैठ जाओ। अच्छा गीत गाया बहन ने, ताड़ी बजाएंगे। शाबाश। सब लोग प्रैक्टिस करें, आप भी आगे आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताएं गवाही के साथ। पापा जी को जयमसी की सारी कलीसिया, माइक ऊपर करके बोलना, मड़ा जा। पापा जी को जयमसी की सारी कलीसिया को, जी को जयमसी की। हमने स्पेशली हैंड प्रे कराई, हमारा चार दिन में कनाडा का वीजा आ गया और आज हमारा कनाडा वीजा स्टैंपिंग होके आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करेंगे। शाबाश। कहां बेटे, कहां से आए आप? पठानकोट से। आप सुन रहे हैं, पठानकोट से आए और ये देख सकते हैं इन्होंने प्रेयर कराया और परमेश्वर ने इनको कनाडा वीजा के साथ ब्लेस किया। मैंने कितने सारे लोग प्रार्थना कर करके कनाडा 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 भेजते सारे बोले हालेलुया। पर हुण मैं प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर उन्होंने क्रिसमस ते लै गया लै गया लै गया लै गया हुण मेरी प्रेयर चल रही है। हालेलुया। भाई बता रहे हैं काफी समय से ये भाई और ये माता अमेरिका वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था। चर्च आए, स्पेशल ले हैं, प्रेयर करा के गए, बता रहे हैं माता का अमेरिका का वीजा आ गया। नची नची गे, नची नची की आज नची नची जश्न मनावोगे। नची नची गे, नची नची गे आज नची नची जश्न मनावोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो किथे जाएंगी यार बुढ़ापे च? अमेरिका, अमेरिका साडे वर्गे दा वीजा लगवा दंदी। अमेरिका, अमेरिका किथे? बेटे कोल जाना। अच्छा बेटा तेरा रहंदा उथे? हां जी। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਆਈ। ਪੀਲੀਭੀਤ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਅੱਛਾ ਯੂਪੀ ਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੁਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਲੈ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਕੋ ਕਹੋ ਹੈ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਥਾ ਆਪਨੇ? ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਥੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਪ੍ਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਈ ਥੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਪੁਕਾਰੇ ਮਸੀਹਾ ਅਭੀ ਅਭੀ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋ ਬੋਲੋ ਸੜਮਤ ਰੀਸ ਕਰ ਰੀਸ, ਸੜਮਤ ਰੀਸ ਕਰ ਰੀਸ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੂੰ? ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ? ਸੜਮਤ ਰੀਸ ਕਰ ਰੀਸ। ਇਹਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਈ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜੋ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। सीधा लगेगा, प्लेन में बिठाऊंगा अगर आज विश्वास करोगे। यीशु कह रहा है, यीशु कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? हाँ, वो कह रहे हैं कि आप विश्वास करें, आज रात आप प्लेन में बैठेंगे। मैं विश्वास करना है। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ साथ ब्रांच है, सुन रही है, आशीष पा रही है। हाँ हाँ, शाबाश। गवाही के साथ इसी समय, हाँ हाँ, जल्दी से तैयार हो जाए कोलकाता ब्रांच और उसके बाद पंजाब में। हाँ, थारीवाल ब्रांच, अमृतसर ब्रांच तैयार कर दे। हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट की बहन बता रही, काफी समय से इनके हस्बैंड फ्रांस वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था। चर्च आए, स्पेशल ले हैं, प्रेयर करा के गए। बता रहे हैं फ्रांस का वीजा आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
देखो अभी आपने गवाही सुना कनाडा अमेरिका का वीजे आ रहे हैं सारे बोले हालेलुया हालेलुया जिसका अमेरिका का वीजा लगे हो बिना डब्बे के नहीं लेके आना यहाँ पर सारे बोले हालेलुया हालेलुया प्रॉफिट जी को जय मसीह की सारी कलीसिया को जय मसीह की प्रॉफिट जी मेरा नाम बलराज कौर है मैं कपूरथला से आई हूँ मैंने ना अपने हस्बैंड का इन्होंने फ्रांस के लिए ट्राई किया पहले लगाया और नहीं लगा हमारे बहुत पैसे बर्बाद हुए फिर हमने फिर ट्राई किया और फिर नहीं लगा हमारे बहुत पैसे ट्राई किए बहुत ख़राब हुए हमारे फिर हमने स्पेशल ले हैंड करवाई और अब फ्रांस के वीजे से ब्लेस किए पर जिस दिन हमने ट्राई किया हमारे पास कुछ पैसा नहीं था हमने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने पैसे का प्रबंध किया हम प्रभु को मेहमान देते हैं अब मेरा हस्बैंड फ्रांस में पहुंच चुका है हालेलुया हालेलुया देखो आपके सामने बता रही है कि कहां से आए बेटे आप कपूरथला से आई लैंड प्रे कराया और प्रार्थना को सुना रिसीव किया चर्च में आए और पहले पैसे खराब होते थे जब से चर्च में आने लगे परमेश्वर ने फ्रांस का इसको यूरोप का 28 कंट्रियों का वीजा दे दिया हालेलुया ना करे परवाह किसे गलती ओ रखे दा खबर घर पर हालेलुया प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है मैं बहन के बेटे रे हालेलुया प्रभु जी बहुत बड़ी गवाही है मैं बहन के बेटे 3 साल से थायराइड था 1 साल से हार्ट का प्रॉब्लम था 17 साल से अस्थमा था 15 साल से यूरिन इन्फेक्शन था 1 साल से ट्यूमर था 5 साल से ग्रुप प्रॉब्लम था 2 साल से आंखों में चश्मा लगा हुआ था 7 साल से सिस्ट था ए बैंक का ट्यूमर था ए माता का 3 साल से आंखों में चश्मा लगा हुआ था ए माता के बजे 40 साल से पेट में रसोलिया था जैसे यहाँ पर आया एरोटिक ऑयल यूज किया और परमेश्वर को रिसीव किया 40 साल का रसोलिया कुआ बनकर उड़ चुकी इस मसीह के नाम से हालेलुया आप सुन रहे हैं गवाहियां पर गवाहियां आप देख रहे हैं कि इस चर्च में परमेश्वर सेम अनॉइंटिंग दे रहा है सेम काम कर रहा है परमेश्वर आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में आमेन हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश क्यों बाहर भी लोग बैठे हैं बाहर भी लोग हाथ उठा रहे हैं शाबाश और इसी समय परमेश्वर आपको जल्दी चर्च की जगह रिलीज करे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ शाबाश पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा जी जो भी लोग इस समय मेरे प्रभु इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और इसी समय कोलकाता में बैठे हैं पवित्र आत्मा आजाद हो जाए वो यीशु मसीह के नाम में जो बाहर है अंदर है मैं देख रहा हूँ अभी खाया पिलाया बाहर निकल रहा है अभी समस्याएं निकल रही हैं ये बाहर जो खड़ी हैं हाथ पकड़ो एक दूसरे का खड़े हो जाओ अपने स्थान पर अंदर और बाहर और इसी समय आपको यीशु बोलना है अभी इसी समय अपने हाथों को उठाऊँ शाबाश और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में और इसी समय खड़े हो जाओ कैमरामैन पीछे होके बात कर थोड़ा और इसी समय पवित्र आत्मा छुए और बुद्धि दे आपको यीशु मसीह के नाम में एक जोर से बोलो यीशु तो थी ये देखो आ गया यीशु निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो गंदी स्पिरिट इन फैमिलियों को छोड़े और इसी समय इनके परिवार में इसी समय पवित्र आत्मा जी एक बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद होने पाए परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय जो चर्च में खड़े पथरियां बाहर जाए रसोलियां बाहर जाए कैंसर बाहर शुगर बाहर थायराइड जाए यूरिक एसिड जाए और इसी समय हील हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके पास बच्चे नहीं है बच्चे मिलने पाए परमेश्वर हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज की जाए इनके लिए यीशु मसीह के नाम में गुड न्यूज मिलेगा जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में आमीन डरो मत चुप जा शोभा यात्रा के लिए 15 तारीख के लिए 20 तारीख के लिए और 25 तारीख के लिए तैयार हो जाओ आपको बता रहा हूँ 25 तारीख को 20 तारीख को शोभा यात्रा में बहुत सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करें शाबाश डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो डरो मत चुपचाप खड़े रहो बोलो बोलो गवाही के साथ फटाफट सब हालेलुया हालेलुया झारखंड
तो फिर जी इस माइक बहुत बढ़ गया, इस भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया पापा, इसे परमेश्वर ने फोर व्हीलर से ब्लेस कर दिया, आर्टिका गाड़ी से ब्लेस किया पापा, और बता रहे कि यूरिन में जो खून आता था उसे आजाद हो चुका है। हालेलुया। इस भाई को परमेश्वर ने 2000 रुपए की मिरेकल मनी दी पापा, इस बहन को परमेश्वर ने 6500 रुपए की मिरेकल मनी दी है। हालेलुया। इस बहन की गवाही पापा किसी दूसरे आत्मा से आजाद हो चुकी है, इस बहन की गवाही है कि भगना जेल में था पर परमेश्वर ने इसे जेल से आजाद कर दिया है। हालेलुया। इस बहन की गवाही है कि इसका बेटा 6 माह से स्कूल नहीं जाता था, इस भाई का बेटा अब स्कूल जाने लगा है। हालेलुया। इस माँ की गवाही है कि लगातार चर्च अटेंड करने से बेटी का अच्छा रिश्ता आ चुका है पापा। हालेलुया। बस थम जा। हालेलुया। सुनो मेरी तरफ देखेगा सिर पे बाल आ जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, हाँ कैमरा ऊपर करो, शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, पूरा चर्च अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, कैमरा ऊपर कर और इसी समय घुमाओ, शाबाश, दोनों तरफ कैमरा, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा याद से रुके हुए काम इनके बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि एस और जी एन एम और पी नाम वाले कुछ जमीन का टुकड़ा ले रहे हैं, घर बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी आपको क्रिसमस पर, तैयार हो आप क्रिसमस पर आने के लिए, तैयार हो झारखंड, अपने हाथों को उठाऊं, 20 तारीख शोभा यात्रा, 15 तारीख शोभा यात्रा, तैयार रहना। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, दिल्ली ब्रांच शाबाश, इसी समय कपूरथला ब्रांच और इसी समय थारीवाल ब्रांच, शाबाश, फटाफट, हाँ हाँ, गवाही के साथ बैठे, ठीक है, आप वहीं से बोल दो। हालेलुया। पापा ये सिस्टर बता रही है इनके पूरे परिवार को स्किन एलर्जी थी, चेचक के पूरी बॉडी में दाने दाने से थे, एनॉइंटिंग हैंकी से प्रेयर करी और एनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज करने से आज ये सिस्टर एलर्जी से बिल्कुल चंगी हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से तारीफ। पापा ये ब्रदर बता रहे हैं 5 साल से इनके पैरों में 8 गांठें थी, चल नहीं सकते थे, एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया और ये वो गांठें धुआं बनकर उड़ चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जीसस, बोलो मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। देखो चर्च कैसे भरा हुआ है दिल्ली, परमेश्वर आपको जमीन दे, नई जमीन दे यीशु मसीह के नाम में, हाँ हाँ, आपको विश्वास करना है परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में, दिल्ली ब्रांच yes. तैयार हो जाओ आने के लिए, तैयार हो जाओ हालेलुया। बात सुनना दिल्ली वाले, सुनो ध्यान से, सारे कपड़े दिल्ली से सस्ते मिलते हैं, सारा मेकअप का सामान दिल्ली से सस्ता मिलता है, पूरे साल हमने कोई खर्चा नहीं कराया आपके हस्बैंड का, सुन दो, इस साल पूरा खर्चा कराना है, दबा के खर्चा कराना है अपने हस्बैंड का, सुन रहे हो, बस हमारी वाली ना सुने, बाकी सब सुनो, सुन रहे हो कि नहीं, दबा के खर्चा कराना, दबा के, सुन रहे हो कि नहीं, हाँ या ना, दबा के खर्चा करो, और जो दुल्हन के जोड़े पहन के नहीं आएगा उसको नो एंट्री है शोभा यात्रा में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली ब्रांच में इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतरे, हर एक जन के ऊपर तेरी आशीष रिलीज होने पाए, पवित्र आत्मा छुटकारे का आत्मा इनके घर में हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय देख रहा हूँ, इसी समय निकल रहा ऐसे देख रहे हैं मेरे को, देख रहे हाँ चल, इसी समय छोड़ दे, इसी समय वो गंदी स्पिरिट इसको पार जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोल मेरे सामने, बोल तू, ओड़ी बाबा, डेंजरस मैन, ब्लैक मैंगो, छोड़ दो इसको, बहुत बड़ा समस्या, छोड़ दो इसको, यीशु बड़ा है, इसे हाथ छोड़ दे,
हाथ छोड़ो उसके, आ चल गंदी स्पिरिट इसी समय निकल बाहर, आ गए पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय छुए, टच करे आग, पवित्र आत्मा की आग इसे स्पर्श करे और इसी समय चल निकल जा बाहर, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, तूफानों में साथ गए मैदानों में साथ गए, तूफानों में साथ गए मैदानों में साथ गए, जगह अपनी वो खुद ही लड़े बियाबानों में साथ गए, जगह अपनी वो खुद ही लड़े बियाबानों में साथ गए, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, चोर से अपने हाथों को उठाऊं शमस, चोर बात नहीं करते बेटा, छोड़ दे, अपने हाथों को उठाऊं शमस, अपने हाथों को उठाऊं चर्च, अपने हाथों को ऊपर करो, दोनों हाथों को ऊपर करो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। गुड न्यूज, हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही के साथ शमस, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है, ये माँ अपनी बहू की गवाही में बता रही की काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं लग पा रही थी, तारपुर चर्च में प्रोफेसी का रिसीव किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ प्लस आ चुके। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। कहां से आए, कहां से, फटाफट गवाही के साथ, हां कहां से आए, फिरोजपुर तो आए, फिरोजपुर को, फिरोजपुर से आई, मेरी नूह ने बड़ी ट्राई मारी सीगी, बड़ी ट्राई मारी सी जॉब ते, पर जदों बेचारी ने घरे आना मैंने कहना मम्मा मेरी फाइल नहीं गई, मैं आखना छट खड़ा तो कोई नहीं, मैं पापा जी नूं फोन लाउनी है, मैं पापा जी नूं फोन लाया, अज मेरी नूह बहुत वधिया लेवल ते पक्की है, हालेलुया हालेलुया, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, हालेलुया। अगे मेरा टेस्ट करवाया, कन्न दुखदा सीगा, डॉक्टर ने मैनू बता दा वी तेनू कैंसर आ, मैं परे हो मेरा कैंसर नहीं गा, मेरा पापा जी है, मैनू ठीक कर दूंगा, मैं यीशु है, जदरू नाल होवी दुआ ते मौजज़े हुंदे ने, जदरू नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने, जदरू नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने, हालेलुया हालेलुया। इसने क्या बोला, प्राहो मेरा यीशु हैगा, हालेलुया, आपका पापा यीशु मसीह है, हालेलुया, जिंदा है वो। इसने क्या किया, एक्ट, आप इसकी रिपोर्ट को सुनेंगे बाद में, गुड न्यूज आएगा यीशु मसीह के नाम में, आप जब वहाँ एक्ट कराते हैं वहीं ब्लेसिंग मिल जाती है यीशु के नाम में, आमीन। ये परमेश्वर ने बता रही है कि जब मैंने फोन लगाया प्रेयर कराई तो वो ट्राई कर रही थी बेचारी काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए लेकिन नहीं लग रही थी, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अपने हाथों को उठाऊं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है मैं फिर कह रहा हूं कि आ जाना मेरे चर्च में, आपको गुड न्यूज मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के साथ, ले हैंड प्रे करा कर देखना, गुड न्यूज मिलेगी चर्च यीशु के नाम में, थारीवाल ब्रांच फटाफट, हां नेक्स्ट, हालेलुया प्रॉफिट जी, थारीवाल ब्रांच, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनके फादर काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन लग नहीं पा रही थी, जैसे तातपुर चर्च में आए स्पेशल 20 बोकर स्पेशल लेहन प्रार्थना करवाने से गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं, रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह, रब खुदा बंद बादशाह मेरा बादशाह मेरा बादशाह। दिल्ली से, किसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, पापा के पास, कैसे मिली आशीष, पापा काफी समय से परेशान थे
तो यहाँ पे आया, पापा जी से ले हैंड प्रेयर करवाया, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। सारे बोले हालेलुया। सुन रहे हैं आप, ये तीसरी चौथी गवाही है, ले हैंड प्रेयर कराया, कनाडा का वीजा आया, अमेरिका का वीजा आया, गवर्नमेंट जॉब आई। फिर बता रही है कि ले हैंड प्रेयर कराया, गवर्नमेंट जॉब आई। विश्वास करो, आज जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके बच्चों के फ्यूचर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आपकी किस्मत का ताला खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप कहेंगे मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल गए। मैं क्यों डरा, भाई बता रहे हैं, जब ये चर्च में आए थे ये 7,000 की नौकरी करते थे, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आपने कहा परमेश्वर तुम्हें बहुत चमकाएगा, इन्होंने स्पेशल शोभा यात्रा के लिए बीज बोया, आज बता रहे हैं 5 फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल। अपने पड़ोसी को बोलो साडे चर्च विच वड्डी वड्डी गवाहियां आंदी ने। यस, छोटी गवाहियां नहीं अपन लेंदे। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आया, ये परमेश्वर है। 7,000 की सैलरी पे काम करने वाला बंदा शोभा यात्रा में बीज बोया और शोभा यात्रा में नारे लगाए थे इसने, और ये कई साल से नारे लगा रहा है शोभा यात्रा में। अगर आपके बंधन नहीं टूटे, विश्वास करना, ये पानी पीने वाले, चाय पीने वाले, पकोड़े खाने वाले, बाहर धूप में बैठने वाले, हलवाई वाले, छोले वाले, सुनो, आपको विश्वास करना है। yes. जो नियम परमेश्वर का है वो अगर आप लागू करते हो अपनी जिंदगी में, तो मैंने क्या कहा, जो आपके पास नहीं है वो है करके मान लेना आज। आमीन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में भी ट्राई करके देखा, है करके मान लो, पर कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने क्रिसमस पर शोभा यात्रा में मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं एक नहीं दो दो शोभा यात्रा निकाला करूंगा, और परमेश्वर ने कहा, कहने बेटे दिल खोल के खर्चा करेगा, मैंने कहा खुला कि मेरी महिमा करेगा, मैंने कहा पूरी, मैंने कहा कुछ नहीं रखूंगा, जो कोई देगा उससे डबल खर्चा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि सुन, जैसे योशू को मैंने भेजा था कि जा यरीहो की दीवार गिरेगी और जाओ इकट्ठे होकर जाओ और नारे लगाओ, चिल्लाओ जोर जोर से हालेलुया बोलकर, बहुत शजलालियो दिशान विच गावांगे हालेलुया होसना दे नारे हालेलुया। मैंने कहा जब नारे लगाओगे और इसी समय वो दीवार गिर जाएगी हालेलुया। तो ये तरीका था, ये परमेश्वर ने योशू को दिया, और दाऊद भी परमेश्वर के वाचक की संदूक को लेकर मैं कहूंगा वो शोभा यात्रा निकालता था हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब आपको तैयार रहना है, जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। आपको तैयार रहना है 15 तारीख, अपने पड़ोसी को बोलो 15 तारीख याद रखना, तेरे ब्याह दिन आएगी, तेरे जन्मदिन दिन आएगी, साढ़े यीशु मसीह दी आएगी, याद रखी 15 तारीख शोभा यात्रा निकालनी है। जो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि बसों में बैठ के आते हैं, बसों में बैठ के चल देते दे भाई, चल उनके बंधन नहीं टूटते, बसों में से, ट्रकों में से, कितना है, अरे 5 पूरी जिंदगी नहीं चले, एक सफर परमेश्वर का थोड़ा सा लंबा चल के दिखाओ ना इजरायलियों की तरह। हालेलुया। इजरायली जंगल में 40 साल चले, उनकी जूतियां नहीं घिसी, उनके कपड़े नहीं फटे। अगर आप आते हैं और कहते हैं कि जूतियां भी ना घुसे, कपड़े भी ना फटे, आपने नए जूते लिए तो दिखाओ ना लोगों को हमने नए लिए, अपने नए कपड़े लिए बाहर निकल के दिखाओ ना, नए कपड़े पहन कर आई, अंदर ही बैठी है कार में पति के साथ, छाड़ दे हुन गल्ला माड़िया, हुन बाहर निकल कर आ, अगर आपको आशीष खुलवानी है। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, जो अंदर बैठे बैठे करते रहते नारे लगाते हालेलुया, उनकी आशीषें कमरे में ही रहती है, बाहर नहीं आती। समझ में आया? yes.
गाड़ियां पीछे होनी चाहिए, पैदल होने चाहिए तुम। और भाई साहब नारे लगाओ, मैं कह रहा हूँ लिख लो, मेरी गवाही है ये, लिख लो, ये प्रोफेसी है उन लोगों के लिए जो दोनों शोभा यात्रा अटेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फरवरी और मार्च आने से पहले एक नहीं दो दो गवाहियां आपकी बड़ी बड़ी बन रही हैं। बोला हालेलुया। बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रहे उनको मिलेगी। और इस बार शोभा यात्रा ऐसी नहीं होगी, हीलिंग होगी शोभा यात्रा में। ले आना अपने व्हील चेयर वाले भी, मंजे तो चक्कावांगे यीशु मसीह के नाम से। सड़क से करांगे हीलिंग, सड़क से करांगे प्रोफेसियां, बड़े बड़े काम करें सड़क से, कटांगे पूतड़ियां। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। इस बारी में मूड छावांगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखना जो चिल्ला रहे होंगे नारे बंद नहीं होने चाहिए चर्च। हालेलुया। ऐसा नहीं ऐसी शानी, जोर ना जोर ना। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनो मेरे को। हाँ बेटे, हाँ बताइए, कोई बताएगा। और अपनी अपनी सीटियां ले लेना। भाई किधर है? हाँ। सारे कलीसिया की जय मसीह की। मैं लुधियाने से हूँ। मैं 2015 से इस कमिश्नरी में जुड़ा हूँ। जब मैं उस समय 7,000 की नौकरी करता था, आज परमेश्वर ने मुझे 5-5 बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। कैसे? वो कैसे? वो स्पेशल ले हैंड करवाया मैंने इस मिट्टी से, भेंट शोभा यात्रा बीज बोया, और ये जो मैट मैट है ये मैट भी मैंने स्पेशल बोया। ये मैट भी इस बंदे ने दिलाए हुए हैं और बैठे हो। 100 रजाइयां पिछले संडे को लेके आया, और इसे परमेश्वर ने मेरे कंपनी में लाखों पीस का ऑर्डर दिया। ना कर। सुनो क्या कह रहा है, 100 रजाइयां जिस दिन, क्योंकि लोग आते हैं दूर से और ठंड होती है, हमें किराया हमारा पता कितना चला जाता है लोगों के लिए 15 तारीख से 25 तारीख तक, क्योंकि लोग यहीं रहते हैं, और फिर किराया रहता हमारा 3-3 लाख रुपए किराया। इस भाई को हमने लोगों को बोला टेंट दो, रजाइयां दो, गद्दे दो, चाहत का सामान दो। अगर आपको लगता है पादरी बजिंदर पैसे रखता है तो आप यहाँ पर अपनी चीजें ले आओ। सारे बोले हालेलुया। और देखो आपके सामने से 100 गद्दे दान दिए, अगली बार 1 लाख कह रहे हैं कि 1 लाख चीजों का ऑर्डर आया आपकी कंपनी में। 2.5 लाख 20,000। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह। परमेश्वर है, सुनता है। बोला हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। 7,000 की कितने की सैलरी पड़ती है? 7,000 की। पिछले संडे भी मैं गवाही दे रहा था इस बंदे की, लेकिन ये अभी इसकी लेटेस्ट गवाही बनी है बीज बोने के बाद। पिछले संडे बनी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको चमकाया था हाथ रख के। सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। बोला हालेलुया। जो तेरे पास नहीं है उसको है करके मानना है। यस आमीन। तेरे पास हो जाएगा। आमीन। आज बड़ा अच्छा तरीका बताया मैंने आपको। जो अपने पड़ोसी को बोलो जो तेरे पास नहीं है, जो तेरे पास नहीं है, फॉर्च्यूनर गड्डी नहीं हैगी, घर नहीं हैगा, मोटी भज गई है, जो नहीं है वो है आपके पास। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जो आप चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, परमेश्वर है। सुनेंगे हर संडे आप देखते हैं गवाहियां लाइन लगी यहाँ, बताएंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी सबकी बहुत ही बड़ी गवाही है। ये सभी अपनी गवाही में बता रहे हैं कि किसी के पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी, किसी के पास 3 साल से 7 साल से 5 साल से 15 साल से 20 साल से ब्लेसिंग नहीं थी। तारपुर चर्च में प्रोफेसी का रिसीव किया, ऑयल वर्क का यूज किया, बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके। क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल गए। अपने हाथों को उठाओ, देखो शाबाश कि लगातार आप देख रहे। कैमरा घुमाओ उधर तक, लड़की घुमा दे पूरा। हर संडे में आपको लाइन लगा कर दिखाता हूँ कि बेटे 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 5 साल 10 साल 13 साल 15 साल। बाजू भी भाई साहब घूम नहीं रही, आज एंज हो रही है, पूरी एक्सरसाइज करा रहे मुंडे वाले। हालेलुया। इतनी गवाही है। हालेलुया। आप देख रहे हैं, देखो मेरी बाजू देखो कितनी गवाही है। परमेश्वर सुनता है हर संडे, आपकी भी सुनेगा। बस आपको कहना है जो नहीं है उसको है करके मान लेना है। मेरा यीशु मसीह। कितने सुनो, ऊपर करो, ऐसे करो, ऊपर करो। देखो कहां से आया, यूपी से, ऊपर करना, यूपी जौनपुर से। हाँ हाँ। मैं कब से, शादी कब हुई थी आपकी? शादी सिस्टर की है।
सिस्टर के भाई सिस्टर की शादी कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? सन तो पता ही नहीं, कितने साल हो गए उसकी शादी को? शादी हो गए लगभग 15-15 साल हो गए, 10-15 साल हो गए, 10-15 साल हो गए। बेटा नहीं था उसके पास? बेटा नहीं था, तीन बेटी थी। मैंने पूछा बेटा नहीं था? बेटा नहीं था। आके क्यों दे रहा है भाई, ज्यादा चंट बन रहा है यूपी के बावले? सुन, तीन बेटियां बेटियां थी 15 साल से, फिर मेरे को इतना लंबा टाइम नहीं है ना, आखिरी बेटी कब हुई थी? आखिरी बेटी आज से लगभग दो तीन साल पहले। तीन साल पहले, उसके बाद मतलब तीन साल से आपकी बहन दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी? यस। समझ रहे ना? यस। तो परमेश्वर ने उसको बेटे के साथ ब्लेस किया। यस, आज से 1.5 साल पहले यहाँ पे आई थी। सर आपने यहाँ पे बुलाया था कि जिसको बेटा नहीं है आगे आके प्रोफेसर को क्या नाम है रिसीव करे, उन्होंने रिसीव किया। आज से जनवरी में 1 साल का बेटा हो जाएगा। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हालेलुया। देखो 7 साल से दिल्ली से आई है यामा, यामा कंपनी है, क्या नाम है आपका? यामा मोटरसाइकिल थी यामा। इनकी बहू को 7 साल से बच्चा नहीं था। कितने? यहाँ पे 7 साल लिखा है। तीन साल बोला था मैंने को। अच्छा 3 साल, गलती से लिख दिया। 3 साल से बच्चा नहीं था और करें कि अब इसकी बहू प्रेग्नेंट है। कैसे प्रेग्नेंट हुई? आपने भविष्यवाणी करी थी और ऑयल वाटर लिया आपने यहाँ से, ऑयल वाटर लिया और भविष्यवाणी कर सी कि आज वो प्रेग्नेंट है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। कमरजीत कहाँ से आए बेटे? गुरदासपुर से आए और प्रोफेसी को रिसीव किया। 13 साल से बेटा बच्चा नहीं था और तीन महीने चा कौन है आगे करना? मैं पापा जी। तू? हाँ जी। सुन रहे हो, 13 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी, गुरदासपुर से आई है और जो ताड़ियां बजा रहे हैं, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। सारी बात बताओ। 13 साल हो गए पापा जी। 2022 च मैं इस मिनिस्ट्री जुड़ी सी, आज साल हो गया मेनु जुड़ी नु, आज मेनु मिल गया है पापा जी। कहते मेरे रिश्तेदार कहते सी जब तेरा यीशु देगा तेन ता देखा गे। 2022 च जुड़ी, देखो 13 साल भी भटकती फिरी। पहला कितने जा, पहला कितने कितने और जाती थी? मैं नाना नहीं, नाना नहीं, नाना नहीं। हालेलुया। हां हां, सानू करंट लगदा नाना नहीं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि 13 साल जाते हुए हो गए, लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि 13 साल, 10 साल, 20 साल आप कहीं भी जाते हो, किसी चर्च में भी जाते हो, चले जाओ, मैं नहीं रोकता भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आशीर्वाद लेना है, एक बार आ जाना, क्योंकि ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जो तेरे चर्च में एक बार भी आएगा बेटे की आशीष लेकर जाएगा। गुड न्यूज है आपके ऊपर, मर्जी आपकी है 2022 से जुड़ी है, लेकिन जब हो जाए तो फिर अच्छे ही रहना। सारे बोला हालेलुया। कहाँ से आए बेटे? कपूरथला से। और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे कई सालों से, परमेश्वर ने आज आपको ब्लेसिंग दिया। कैसे मिली है ब्लेसिंग? अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये बहन बता रही है प्रेग्नेंट है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।